कौन है? नहीं ना वो बच्चे, यानी क्यों रो रही हो? तब बताओ तो हुआ क्या है, क्यों रो रही हो इतना? मेरे मामा कॉलेज कॉलेज जग पति हो, मेरी सारी मेहनत अम्मा सारे हो गए। क्यों निकाल दिया? कैसे निकाल सकते हैं, तुम तो इतनी अच्छी स्टूडेंट हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ। मुसलसल छुट्टियाँ, दो प्रैक्टिकल्स और तीन टेस्ट अम्मा मैंने मिस किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं दुनिया में टॉप भी कर जाऊँ। बच्चा बेटे, मैं बात करूंगी तुम्हारी प्रिंसिपल से। कोई तो मजबूरी होगी, छुट्टी की थी ना, मैं जाके बात करूंगी, मैं समझाऊंगी, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कोशिश नहीं की होगी, मैंने किसी उन्हें अपने सारे 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 रीजन सब जाने की कोशिश भी की, मैं उन्होंने नहीं सुनी मेरी बात अम्मा, सब गिराया मुझे। नाया के पैदा होने के बाद 4 महीने की छुट्टियाँ वो बताया, अभी मुसलसल छुट्टियाँ बिना किसी की वजह के वो उन्होंने मुझे गिनवाया। मैं वैक्सीन बनवाने गई थी ना नाया को, प्रैक्टिकल था मेरा, मिस हो गया। बच्चा मेरे खुदावन ने छीन लिया आप लोगों ने, मेरे खुदावन खत्म हो गए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे ख्वाब नहीं बिगड़ने दूंगी यानी मैं। सुनो मेरी बात, से बात करूंगी जाके प्रिंसिपल से, मैं बात करूंगी, वो तुम्हें एक मौका जरूर दे देंगी। अगर एक और मौका भी दिया ना उन्होंने अम्मा, अकेली मैं मेरी जिंदगी में जो जो चलता आ रहा है वो तो चलेगा। इस माशरे में ना अम्मा कोई भी नहीं समझेगा कि तालीम जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। पार्षद में क्या घर में कोई नहीं समझेगा मेरे, यही होता रहेगा अगर मुझे एक और मौका भी मिल गया अम्मा।